अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं वीडियो खानपुर चैनल और आज की जो वीडियो है वो इस तरह है कि आपको थोड़ी देर पहले एक वीडियो शेयर की थी कि मिड टर्म स्प्रिंग 2024 का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है और वो जस्ट थोड़ी सी वीडियो थी। आप मज़ीद में आपको बता देता हूँ कि जो अगला सवाल स्टूडेंट का हो सकता था कि मिड टर्म में कितने नंबरों वाला पास है, तो सिंपल कोई बड़ा फार्मूला नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आप LMS ओपन करेंगे और ग्रिड बुक में जाएंगे अपना रिज़ल्ट चेक करने के लिए, तो वहाँ पे आपको जो डिटेल नज़र आती है उस हिसाब से फिर आप आगे देखेंगे। तो आपको पता है कि जो 20% रूल था वो ये था कि मिड टर्म में जितने नंबर हैं टोटल नंबर्स का पेपर जो है, जैसे यहाँ पे अब शो हो रहे हैं कि यहाँ पे जो पेपर्स तमाम के तमाम थे वो 38 नंबर के थे, कुछ पेपर 40 नंबर के भी थे। तो इन जो 38 टोटल नंबर आए यहाँ पे ऑब्टेन है और अब लीक जो है वो लिखा हुआ है टोटल नंबर्स, यानी 38 में से ये 35 हैं, 38 में से 36.5 हैं और इस तरह ये आगे नंबर हैं और इसमें 38 में से 18.84 भी हैं। तो जो पासिंग क्राइटेरिया है मिड टर्म में, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो मेंशन मैं कर रहा हूँ बता रहा हूँ वो सिर्फ मिड टर्म का बता रहा हूँ। बाकी जो असाइनमेंट क्विज़ हैं वो इसमें कोई भी ऐड नहीं हुई, जस्ट ये पेपर का रिज़ल्ट है जो आपने दिए हैं। तो सिंपल आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि 38 में से जो है वो 20% आपका होना चाहिए, यानी अगर 40 नंबर हैं तो उसका जो 20% है वो 8 नंबर बनता है। तो इसी हिसाब से आपने 20% निकालना है टोटल का, 38 में से 20% निकालेंगे और या जितने भी नंबर्स हैं 38 और 40 नंबर का मैक्सिमम को पेपर था, तो अब जो अगर 40 नंबर का पेपर था तो 20% उसका बनता है 8 नंबर, तो 8 नंबर से अगर कम है तो फिर तो ये सब्जेक्ट आपका फेल है और फिर आप इसको आगे, यानी फाइनल टर्म का पेपर भी आपका नहीं आएगा, यानी डेट शीट में वो पेपर ही नहीं आएगा। तो अगर तो आपके 8 नंबर से ज़्यादा हैं और आप से यूँ समझ लें वो पास हैं और फिर आप फाइनल टर्म का पेपर दे सकते हैं, और जो फाइनल नंबर में फाइनल सेमेस्टर में पासिंग मार्क्स हैं वो किस तरह से ऐड होने वो एक अलग वीडियो में आपके साथ शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे इतना काफ़ी है आपके लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था रिजल्ट के बाद कि कितने वाला पास है, तो यकीनन सभी स्टूडेंट को ये फिक्र होती है कि क्या वो पास है या फेल है, तो आपने टोटल नंबर का 20% बना लेना है और जो 40 का है वो 8 नंबर बनते हैं, 40 नंबरों का 20% 8 नंबर। इसी हिसाब से अगर 38 का है तो उसका भी आपने 20% निकाल लेना, यानी 7 नंबर्स के करीब करीब आपके बनेंगे। तो अगर इतने आपके इस साइड पे आ रहे हैं तो फिर आप पास हैं, और मेहनत के साथ जो बाकी क्विज़ असाइनमेंट्स हैं, जैसे कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं, तो वो आपने जो है ना वो लाजमी अच्छे तरीके से कर लेनी है। और आज थोड़ा सा नेटवर्क भी स्लो चल रहा है, तो इस दौरान ये भी हो सकता है कि बार बार आपका LMS भी बंद हो या कुछ भी हो सकता है इस तरह का। तो ये चीज़ें हैं रिज़ल्ट का, होपफुली आपको पता चल गया होगा कि 20% के साथ आपने कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर मैं तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं इनके ऊपर लाजमी फोकस करें, अब ऐसा ना हो कि सारा दिन आप जस्ट रिज़ल्ट को ही डिस्कस करते रहें। ये जो रिमेनिंग आपकी एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत ही कीमती हैं आपके लिए, आपको फाइनल जो समय फाइनल रिज़ल्ट बनाने में और पास करने में। तो इसलिए रिज़ल्ट देख लिया है उसको आपने ये एनालाइज़ कर लेना है कि बस पास हैं, और पास होने के बाद फिर दोबारा से फोकस इन एक्टिविटीज़ को करें जो पेंडिंग हैं। तो इस तरीके से ये था आज का जो रिज़ल्ट के हवाले से थी कि कितने नंबरों वाला पास है। होपफुली ये समझ आ गई होगी सभी को। बाकी फ़ाइनल के हवाले से फिर मज़ीद एक वीडियो बना लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।